देखिए मैं अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा पहला मेरा रामलीला मैदान में, क्योंकि मैं रामलीला मैदान कभी नहीं गई थी और मैं अपने आपको सौभाग्यशाली भी मानूंगी कि झारखंड की तरफ से माननीय चंपई चाचा के साथ मुझे भी आमंत्रण मिला था और अपनी बातों को रखने का और हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत जी ने 4 साल तक हमारे एज अ मुख्यमंत्री काम किया और किस तरीके की के साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, तो उस चीजों को साथ महिलाओं बहनों के लिए आदिवासियों की बातों को रखने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं सौभाग्यशाली पूरी उम्मीद जीत करके आप गांधी उपचुनाव को लेकर आपकी तैयारी मिला, हेमंत जी की बातों को रखने का मौका मिला, तो इसी मजबूती के साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हम लोग काम कर रहे हैं, तानाशाह ताकतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आने वाला 4 जून आपको बता देगा कि स्पष्ट बहुमत किसको मिलने सुनीता सुरेन और सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई क्या? भाई भाई चलो अब साइड साइड, इसका रांची में क्या असर दिखेगा झारखंड में? अब देखिए झारखंड में उसका इतना लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि अब देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है और पूरा देश के लोग जिस प्रकार वहां पर इकट्ठे हुए, आपने देखा होगा कल एक मेरठ में भी रैली हुआ, उस रैली का मिजाज और रामलीला का मिजाज दोनों साफ कर देता है कि संदेश क्या है। लोगों में जो उत्साह था, जो जुनून था और जो एक मतलब मादा था, वो अभूतपूर्व था। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार के एक जीवंत रैली को हम लोगों ने देखा। मामला बहुत देवघर का चल रहा है, मैं उस पर 4:30 बजे मिलता। दादा एक एक दादा भी चुनाव लड़ेंगे क्या? कैसी भी चर्चा है, कौन आपके बारे में चर्चा है कि दादा जल्दी जमशेदपुर सीट से भी नजर आ सकते हैं? नहीं, पार्टी डिसाइड करता है, हम लोग को